लाहौर हाईकोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर ननकाना शेखपुरा कसूर डीजे खान हाफसाबाद समेत 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को तोहीन अदालत के नोटिस जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब को 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा चीफ सेक्रेटरी पंजाब फौरी इन अफसरों को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। अदालत ने स्कूलों को हफ्ते में 2 रोज के लिए बंद करने का इंदिया दे दिया। तमाम स्कूल कॉलेजेस को हफ्ते के रोज बंद रखा जाए। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। कहा हफ्ते के 2 रोज सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद कर दें। क्या पंजाब हुकूमत के पास हल सिर्फ 3 छुट्टियां हैं? पंजाब हुकूमत साइकिलिंग को फरोग दे। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 56,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1010 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 56,401 की सतह पर ट्रेड। दरामती बिल और बैरूनी कर्ज के दबाव से रुपया कमजोर होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा, डॉलर 287.20 में फरोख। पाकिस्तान में IMF जायजा मुजाकरात का आखिरी दौर। FPR वजारत खजाना स्टेट बैंक ने पॉलिसी सतह के मुजाकरात जारी। IMF अपने मुतालबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ्द को आगाह करेगा। जराए के मुताबिक IMF बैरूनी फाइनेंसिंग जरूरियात से मुतालिक सवालात, टैक्स महसूलात से मुतालिक मुतालबात पेश कर सकता है। फॉरन एक्सचेंज रेट के हवाले से IMF को ब्रीफिंग दिए जाने का भी इम्कान। पॉलिसी सतह के मुजाकरात 15 नवंबर तक शेड्यूल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत लाहौर ने मौलाना सलाही को इश्तहारी करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर की दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। तमाम अकाउंट्स मुंजमद। नैब की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश। इश्तहारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। एहतसाब अदालत के जज नसीम बर्क ने केस की समाअत की। चौधरी परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दोनों के पेश न होने पर इशारे नाराजी। दरख्वास्त गुजार किए वकील को आइंदा समात पर जवाबल जवाब जमा कराने का हुक्म। तोहीन अदालत दरख्वास्त की समात 16 नवंबर तक मुलतवी।